हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नोटिक की बातों में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं वन प्लस 7T का, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन माना जाता है। 7T तो 2019 में जो कि लॉन्च हुआ था अक्टूबर 28 तक। पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ ये फ़ोन आता है, बहुत ही शानदार फ़ोन है जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस लगा हुआ है, जो 2019 का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अब यहीं पे कुछ की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले 6.67 इंचेस की फुल सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है। अब यहीं पे आए प्रोसेसर तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है। अब बैक कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का रियल कैमरा आता है, जो कि बैक में लगा हुआ है। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। 8GB रैम, 256GB स्टोरेज आती है, जो कि ये 40,000 से शुरुआत होता है इसका। अब बैटरी की बात करें तो 4085 mAh की बैटरी है। OS की बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ ये आता है फ़ोन। एंड इधर ही इसके कुछ फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन प्लस 7T फुल स्पेक्स की बात करें, जनरल की बात करें तो यहाँ पर ब्रांड एंड मॉडल आ जाता है। तो ब्रांड वन प्लस है एंड यहाँ पर मॉडल की बात करें तो 7T Pro है, तो यहाँ पर वन प्लस 7T Pro। एंड इधर ही रिलीज डेट की बात करें तो 10 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हो गया था ये। लॉन्च डे लॉन्चिंग इंडिया, यस ये लॉन्च हो चुका है इंडिया में। अब यहीं पे फॉरम फ्रेस्ट की बात करें तो टच स्क्रीन ये दी गई है। बॉडी टाइप की बात करें तो ग्लॉसी बॉडी है, जो कि शायद बैक एंड फ्रंट में आपको कॉर्निगोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है। एंड डायमेंशन mm की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी लंबाई जो दी गई है 160.60 mm दी गई है। एंड जो इसकी चौड़ाई दी गई है 70.90 दी गई है चौड़ाई। एंड इसकी थिकनेस की बात करें, मतलब पतलाई कितनी है, कितना मोटा फ़ोन है, तो 8.8 mm की थिकनेस पर आता है। वेट की बात करें तो 206 ग्राम का फ़ोन आता है, जो कि 206 ग्राम बोला जाएगा। एंड बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4085 mAh की बैटरी है, 4085 mAh। अब यहीं पे रिमूवल बैटरी की बात करें तो यहाँ पर नॉन रिमूवल बैटरी लगी हुई है। एंड फास्ट चार्जर की बात करें तो फास्ट चार्जर की बात करें तो प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया गया है। एंड कलर्स की बात करें तो हेजम ब्लू दिया गया है यहाँ पर। डिस्प्ले की बात करें तो स्क्रीन इंच की बात करें तो 6.6 इंचेस दिया गया है। एंड टच स्क्रीन इसमें दिया हुआ है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1440 × 3120 पिक्सल्स दिए गए हैं इसमें रेजोल्यूशन के मुताबिक। अब एक बार प्रोटेक्शन टाइप की बात करें तो कॉर्निगोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, लेकिन कौन सा सपोर्ट मिलता है आपको, 5-2-3 कौन सा सपोर्ट मिलता है ये नहीं बताया गया। अब यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 90.5.9 दिया गया है। अब यहाँ पे पिक्सल पर इंच PPI की बात करें तो यहाँ पर 516 दिया गया है, जिसको 516 बोलेंगे। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पर प्रोसेसर ऑक्टा कोर आपको मिलता है। एंड इधर ही प्रोसेसर मार्क की बात करें तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस आपको मिलता है। रैम की बात करें तो 8GB इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर 256GB मिलता है। एक्सपांड स्टोरेज आप नहीं कर सकते। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल, जो कि इसका एपल्चर आता है 1.6 एंड 0.8 माइक्रो, एंड प्लस 16 मेगापिक्सल का जो एपल्चर आता है वो f/2.2 है। एंड इधर ही प्लस 8 मेगापिक्सल वाला जो आता है वो 2.4 एंड स्लैश बाय 1.0 माइक्रो दिया गया है यहाँ पर। अब रियल आउट फेस की बात करें तो इसमें दिया गया है। एंड रियल फ्लैश की बात करें तो इसमें दिया गया है बैक में आपको। एंड फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल, जिसका आपको एपल्चर मिल जाता है f2.0 बोल दीजिए एंड स्लैश बाय 1.0
ज़ीरो सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉयड हुआ है, एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। स्किन की बात करें मतलब ओएस, कस्टम ओएस कौन सा आता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 10 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जो कि वन प्लस के सारे फ़ोन्स में आपको मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई इसमें यस है, एंड इधर ही बात करें वाईफाई स्टैंडर्ड सपोर्ट की, तो यहाँ पर वाईफाई 802.11 A/B/G/N/AC दिया गया है इसमें। GPS की बात करें तो इसमें यस दिया गया है, GPS विथ ए ग्लासेस दिया गया होगा। ब्लूटूथ वर्जन की 5 बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5 इसमें आपको मिलता है। NFC इसमें सपोर्ट करता है, USB OTG भी इसमें सपोर्ट करता है, USB की टाइप सी पोर्ट दी गई है इसमें यस। इन इधर ही सिम नंबर्स की बात करें तो एक्टिव ऑन 4G पे आपको एक्टिव मिल जाएगा सिम, यस आपको यहाँ पर सिम कार्ड 4G मिल जाएंगे। अब यहीं पे फर्स्ट सिम की बात करें तो टाइप की बात करें तो यहाँ पर नैनो सिम लगा सकते हैं आप, GSM CDMA के साथ GSM भी लगा सकते हैं आप। 3G 4G वोल्टी दोनों ही सिम कार्ड में सपोर्ट करता है। अब यहीं पे नीचे बात करें कुछ सेंसर्स की, तो यहाँ पर फेस अनलॉक एंड आपको मेजरमेंट्स एंड सारे सेंसर आपको मिलते हैं इसी में। अब यहीं पे रेटिंग की बात करें तो 3.2 दी गई है। अभी इधर ही दोस्तों यही थी दोस्तों कुछ इसका रिव्यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, जो भी गलतियाँ होंगी माफ़ कर देना।